क्या हुआ? मैम भाई समय साहब मिलने आए आपसे। अच्छा उन्हें बाहर बैठाओ, मैं आ रही हूं। जी मैम। मैं भी आई। अच्छी लग रही है। जी बहुत। खाइए आप। हाय ईशर, कैसी हो? I'm absolutely fine. आप कैसे? मैं ठीक हूँ। actually मैं यहाँ विजिट पे आया। नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। अब यही रहूँगा। वो साहिर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। आप उनके साथ काम करते थे? नहीं, मुझे पता चला तो हम If you could excuse me, मुझे काम है, I have to go. I am sure. आज शाम को आप फ्री हैं? हाँ, क्यों? Actually, यहाँ एक छोटा सा get together है। I'd be really happy अगर आप आएं। Yeah, surely, I will come. All right, I'll see you then. Bye. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। काफी खुश हुई आपको यहाँ देखकर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। आपका यहाँ होना बहुत जरूरी था। वैसे बहुत प्यारी लग रही है। आप भी काफी अच्छा लग रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ अंकल, घर में ना हर महीने एक आधी ऐसी पार्टी होनी चाहिए, मूड फ्रेश हो जाता है आपका। अंकल मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बेटा वो ईशल नजर नहीं आ रहे? ईशल यही कहीं होगी आंटी, मैं देखता हूँ। आप लोग प्लीज अंदर आइए। अच्छा। हे ईशन, तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। दे आर लुकिंग फॉर यू। अच्छा। हे, व्हाई डोंट यू कम विद मी? अम्मी बाबा को सलाम कह दो। मैं? हाँ, कम कम, चल यार, बोल दिस। आ जाओ। आओ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए किसको मिलवाने लाई। सरमद, he's back. और अब पाकिस्तान में रहेगा। अच्छा आप दोनों प्लीज इसको कंपनी दें, यहाँ पे नहीं जानता किसी को। सरमद, इफ यू कुड एक्सक्यूज मी, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। इट्स ओके, हैव फन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम।
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इतना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत फखर की बात है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज का गेट टुगेदर किस लिए है? ना तो आज किसी का बर्थडे है, ना एनिवर्सरी, ना ही मेरी कोई बड़ी कामयाबी। वेल, आज की ये शाम मेरे लिए बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हूं, और वो अनाउंसमेंट ये है, मैं बहुत जल्द शहरयार से मंगनी करने वाली हूं। एक्साइटिंग राइट? मैं जानती हूं आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि साहिर को गुजरे कितना अरसा है, और ये दूसरी शादी, well, to be very honest, ये सब कुछ मैं साहिर की वजह से ही कर रही हूं। वो चाहते थे कि इद्दत के बाद मैं शहरयार से शादी कर लूं। बहुत फिक्र करते थे वो मेरी, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। व्हाई वुड आई वांट दैट? साहिर की आखिरी निशानियों को मैं ट्रस्ट के हवाले क्यों करूं? दैट्स नॉट फेयर। सो दैट्स व्हाई आज मैं आप सबको और शहरयार की मंगनी पे इनवाइट कर रही हूँ। आप सब लोग जरूर आइएगा विद योर फैमिलीज। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय द नाइट। ईशन, ये क्या मजाक है? Excuse me? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? आप ही का तो ख्याल आया था, इसलिए आपको यहाँ पे इनवाइट किया। और सुनिए, आप प्लीज शादी पे जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ईशन ली, तुम मैंने जो किया वो गलत था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। Really sorry. I think आप कुछ गलत समझ रहे हैं। Hold on a minute. आप कहीं वही सर में तो नहीं है दुबई वाले? ईशल, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ। Please. Sorry once again. मुझे लगता है मैंने कोई गलत नंबर डायल कर दिया था। Enjoy the night, Sarmat. कितना मजा आएगा, तीसरी दफा आप ही की शादी होगी, वो दुल्हन बनेंगी उस शख्स की से मेरा रिश्ता तय हो रहा था। मैं तो तालियां बजाऊंगी खुशी से, तालियां। कोमल, अपने कमरे में जाओ। आप दोनों एक काम क्यों नहीं करते, एक चौथा लड़का भी ढूंढ ले उनकी शादी के लिए।
इसलिए कि शहरयार अगर मर मरा गया या भाग गया तो कोई और लड़का तो हो लाइन में उससे शादी करने के लिए। कोमल! सॉरी शेरू, आई नो मैंने तुमसे पूछे बगैर ही मंगनी की अनाउंसमेंट कर दी। मैंने सोचा कि तुमसे एक बार पूछ लूं, लेकिन ये भी सोचा कि तुम इनकार क्यों करोगे। इतनी दौलत जो मिल रही है तुम्हें मुझसे शादी करके, शल तुम भी तो ये सब महज एक शख्स को जलाने के लिए कर रही हो। That's my personal matter, and you better stay out of it. तुम्हारा रिश्ता भी तो कोमल के साथ हो रहा था। मैंने कुछ कहा? नहीं। तुम्हारा गुस्सा कुछ और कह रहा है ईशल, और तुम कुछ और। मैंने कहा था ना तुमसे, ज्यादा देर इस हॉल में नहीं रह पाऊंगी तुम। हार का भी अपना ही मजा होता है ईशल, जीत की लज्जत को तो बाला कर देती है। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी। बहस करने वाली हालत में भी नहीं हुई। इनफ शहरयार, तुम्हें मुझसे जिस लहजे में बात करनी है करो, पर मैं तुमसे खफा होने वाला नहीं। शादी की तैयारियां करो, अब वो दिन दूर नहीं। बहुत जल्दी है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल शहर की रिचेस्ट बिजनेस वुमन से शादी होने वाली है मेरी। आई शुड बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। उसके बाद तो मैं सारे शहर पे राज करूंगा। हाँ वाओ, यही तो करने आया था मैं यहां पर, इस शहर को अपना बनाने। एनसी, आज ये शहर मुझे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा, और तो और अब हम दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम होने वाला है, जिसके बाद ये सब कुछ मेरा होगा और तुम भी। और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। Are you kidding? तुमने खुद भरी महफिल में सबके सामने हमारी एंगेजमेंट अनाउंस की है। इनफैक्ट ये न्यूज तो कल के अखबार की हेडलाइन बन चुकी होगी कि साहिर जमान सिद्दीकी की बेवा ईशा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रही है, और ये सब कुछ वो महज एक शख्स को जलाने की खातिर कर रही है, क्योंकि उन्हें जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो ईशा, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं इस शादी से इनकार कर दूंगा। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, और मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि पल दो पल की मुश्किलात के आगे हार जाए। हाँ रही बात जायदाद की, तो वो भले ही तुम ट्रस्ट के नाम कर दो, आई डोंट केयर, मगर ये शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगा। डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन नॉट स्टॉप दिस। अगर आपने मेरे साथ यही सब करना था तो मुझे पहले जहर दे देती।
कोई अपनी सगी बहन के साथ ये सब करते हैं जो आप मेरे साथ कर रही हैं। पैसे की वजह से आप अपनों को भूल गई हैं। तो मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मैं यहाँ जिस तकलीफ में हूँ अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो। कुछ शर्म आनी चाहिए आप भी। मुझे तो आपको अपनी बहन कहते हुए घिन आ रही है। सबका सर शर्म से झुका के अपने अपनी नाक ऊंची कर ली। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, आपको भी कभी चैन नहीं मिलेगा। अब बोले ना कुछ, चुप क्यों है आप? कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। कुर्बान भाई आप? सबनत, इट्स गुड टू सी यू। तुम कब आए? आने की कोई खबर नहीं थी। साहिर तुम तो आई एम बैक। मेरा वापस आना तो जरूरी था, लेकिन तुम क्यों आए?